मिसेस डीसा, गुड मॉर्निंग मिसेस डीसा, गुड नाइट मिसेस डीसा। वो यू गुड नाइट वाला, इधर आओ, लाओ भाड़ा। अभी तो तुमको नौकरी मिल गया। नहीं नहीं मिसेस डीसा, नौकरी मिला भी और छूट भी गया। हम मालूम तुम जरूर कोई बेईमानी किया होगा। बेईमानी नहीं मिसेस डीसा, ईमानदारी किया। बेईमानी करता तो नौकरी भी मिल जाता, तुम्हारा भाड़ा भी दे देता। भाड़ा तुम क्या मट्टी देगा, हम तो रोता है वो दिन को जो दिन हम तुमको देखा, हमको रहम आ गया। नहीं तो ये मकान का हमको 500 रुपया पगड़ी मिलता होता, हम नहीं लिया मालूम। अच्छा क्या मिसेज जी साहब, तुम पगड़ी नहीं लिया, पगड़ी लेने वाले को जेल जाना मांगता मालूम। क्या बोला, हमको जेल भेजना मानता है, हम तुमको जेल भेजेगा। 5-5 महीने का भाड़ा नहीं देता है, ऊपर से हमको जेल भेजने का धमकी देता है। नहीं मिसेज जी साहब, हम तुमको काहे को जेल भेजने को मांगता है। अंकल कल खुद तुम्हारा घर छोड़ के चला जाएगा। हाँ, अब ये प्रोग्राम बनाया है भाड़ा मार के भाग जाने का। नहीं मिसेस डीसा, तुम हमको गलत समझता, हमारा मतलब ये नहीं है। हम किधर भी रहेगा, नौकरी मिलने पे तुम्हारा भाड़ा दे देगा। हाँ मालूम, हाँ मालूम। भाड़ा मार कर भाग जाने का कोशिश करेगा तो हम तुम्हारा दोनों टांगड़ी तोड़ देगा। हाँ, भाड़ा मार कर भाग जाने को मांगता है। ये तुम्हारा चिट्ठी आया होता, हम भूल गया। मिसेस डीसा, मिसेस डीसा, हमको मिल गया, अरे क्या मिल गया?
क्या हो गया तुमको? काय को बम मारता है? बम नहीं मारेगा मिसेज दिशा, तो क्या करेगा? देखो हमको नौकरी मिल गया न्यू ताजमहल होटल में। ताजमहल होटल में? यस मिस, न्यू मिसेज दिशा, न्यू ताजमहल होटल में। पुराना ताजमहल इतना शानदार है, नया वाला कितना फर्स्ट क्लास होगा। है मिसेज दिशा, हम तुमको बोला नहीं, खुदा बेकारी और बंदे से कितना बड़ा है। यस मिसेज दिशा, चलो अच्छी तरह से मुंह हाथ धो, हम खाना निकालता है। नो मिसेज दिशा, हम खाना नहीं खाएगा, हम तुम्हारा भाड़ा नहीं देता, खाना कैसे खाएगा मिसेज? बहुत होशियार है तुम। नहीं पीछे मैं साहब को बोलेगा, मिसेज दिशा हमको खाना नहीं देता, हम भी भाड़ा नहीं देता है। हाँ बहुत होशियारी मत बताओ अभी, चलो जल्दी खाने का वास्ते आओ, चलो। होशियारी बताता है बहुत। बजे रोज बंद हो जाती है। मिसेज दिशा, हाथी लोग निकलता, ये चुहा लोग ने सारा मेरा पैकेट खा लिया। शुक्र करो तुम्हारा पैकेट खा लिया, हमको तो बहुत खुशी होता है। हमको खा लेता। हाँ हाँ, ये रोज रोज का बकबक खत्म होता है, दिन का दिन जाता है, महीने का बीच में महीना जाता है, भाड़े का मुंह। अब कपड़ा जलने का बात किधर आता है? मेरा इकलौता कोट जल गया मिसेस डिसर। जल नहीं गया, तुम जानबूझ के जलाया। जानबूझ के जला? हाँ, हम सब समझते तुम कैसा आदमी है। तुम सोचा होगा पहला कोट जलेगा, कोट का साथ साथ घर जलेगा, घर का साथ साथ हम जल जाएगा, हम जल जाएगा तो तुम्हारा जान छूट जाएगा। पर हम बोल देता है, हम तुम्हारा जान इतना जल्दी नहीं छोड़ेगा। अभी बैठ बैठ के कोर्ट को क्या देखता है? खड़ा होकर क्या करेगा मिसेस डिसर? अभी तो सो जाने को मांगता है, जला हुआ कोर्ट के साथ नौकरी को कैसे जाएगा? अच्छा तुम चाय पी के नीचे में आओ, हम तुमको डेविड का कोट देगा, पर उसको बेच के नहीं आना। ऐसा भारत मिला है, घर दो, खाना दो, कपड़ा दो, और सब मुफ्त में दो। डेविड का याद आता है। मिसेस दिशा, मिसेस दिशा, कब तुमको देरी होता है? डेविड गौर को सलाम किया? यस मिसेस दिशा, मगर हम डेविड नहीं है। हमको मालूम तुम बहुत मस्करी करते हैं, लो कोट पहनो। मिसेस दिशा, मस्करी तो तुम्हारा लॉर्ड हमारे साथ करता है। किस्मत में बेकारी लिखकर इस बेरहम दुनिया में फेंक दिया, और दूसरा मजाक मेरे घर वालों ने किया जिन्होंने अपने बेटे का नाम रखा राजकुमार। एकदम राजकुमार तुम डेविड का कोट में दिखता है। ये है क्या? हंसना भी नहीं आता है अनाड़ी, हंसना है तो दिल खोल कर हंसो, हंसो, अरे हंसो, हंसो, अरे हंसो। नो, हंसो तो कभी दिल खोल कर मत हंसो। तुम सब अमीर घरानों से यहाँ आई हो,
ये सीखने के लिए कि ऊंची सोसाइटी में किस तरह उठना बैठना चाहिए। इसी चीज के लिए तुम्हारे माँ बाप हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। तुम्हारी तो हर बात निराली होनी चाहिए। शीला तुम चलो तो। गुड, वेरी गुड। लीला तुम हंसो। That's it. तुम चीको, आरती कहाँ है वो? जूता तो नीचे कीजिए। ये जूतों की बारिश आप कर रही थी जी? मुझे तो सिर्फ नीचे उतरना है। क्या इस मकान में कोई गेट नहीं है? है, लेकिन दरबान भी तो है। दरबान? आप भाग रही हैं? सुनिए सुनिए, जरा मेरी नीचे उतरने में मदद कीजिए। माफ कीजिए, मैं गरीब आदमी नौकरी पे जा रहा हूँ, मैं इन झमेलों में नहीं पड़ सकता। मैं भी बहुत गरीब हूँ, मुझे भी नौकरी पे जाना है। तो नौकरी पे जाने का ये तरीका है? बात यह है, मैं यहाँ काम कर रही थी लेकिन इन लोगों का बहुत पैसा मुझ पे चढ़ गया है। अब वो कहते हैं हमारे पैसे दे दो तो जाओ। मिसेस डीसा भी तो इसी तरह मेरे साथ सलूक करती है। वो भी कहती है कि भाड़ा पहले दो, खोली बाद में खाली करो। देखिए ना आपकी मेरी कहानी कितनी मिलती जुलती है। यही तो मैं भी कहना चाहती हूँ। कहिए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपके लिए? आप घोड़ा बन सकते हैं। घोड़ा? घोड़ा? हाँ, घोड़ा। ओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी इसमें शुक्रिया क्या बात है। आप आपको नौकरी पे जाने के लिए देर नहीं हो रही? नौकरी? ओह उरी बाबी। जी नमस्ते। नमस्ते। टैक्सी। कॉलेज से चली आई थी? चली नहीं आई, भाग आई। बोलो तो। अरे वो कॉलेज नहीं, पागलखाना है, पागलखाना। शट अप। थैंक यू। जानती हो हजारों रुपए लेकर वहां क्या सिखाया जाता है? चलो तो यूं हंसो तो। नो, दिल खोलकर कभी मत हंसना। इस तरह तो गवार हंसते हैं, समझी? अच्छा खैर जाने दो इन बातों को। तुम्हारी माँ की खबर मिली? पहले से अच्छी। पैसे भेजे? कितने? तनख्वाह के 40 रुपए मिले थे, सब भेज दिए। 40? क्यों, ज्यादा क्यों नहीं भेजे? तुम्हारे पास मेरे 500 रुपए थे तो। लेकिन तुम्हारे रुपए मैं कैसे भेज सकती थी? क्यों नहीं भेज सकती थी? देख आशा, मैंने तुझसे कई बार कहा है कि तू इस घर की नौकरानी नहीं, मेरी सहेली है, बहन जैसी। आज एक मनी ऑर्डर और भेज दे, समझी? सोच क्या रही है? इस वक्त तो ये सोच रही हूँ कि अगर चाचा जी को तुम्हारे भागने का पता चल गया तो क्या होगा। आह, चाचा जी मुझ पे कभी गुस्सा नहीं कर सकते, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वहां तो गेट पर दरबान रहता है, तुम भागी कैसे? बस भाग आई। एक भला आदमी वक्त पर पहुंच गया, वो घोड़ा बना और हम कॉलेज के बाहर। कौन था वो? था कोई बेचारा, कहीं नौकरी के लिए जा रहा था। आप ही का नाम शाहजहां है जी? बोलो क्या चाहिए? ये चिट्ठी। तो तुम ही राजकुमार हो? जी सिर्फ नाम ही राजकुमार है। तो भाई मैं कौन सा बादशाह शाहजहां हूं? नौकरी तुम्हें मिल जाएगी, 30 रुपया पगार, और तुम्हें सब काम करना पड़ेगा। बोलो मंजूर? जी। तो चलो काम देख लो। चलो आप। आओ भाई आओ। रामू देखो ये अपने नए मैनेजर हैं, इन्हें सारा काम बता दो
और तुम भी ये सब काम देख लो। अरे इसमें तो कॉकरोच है, दाल मत खाना, दाल मत खाना, दाल में कॉकरोच है। क्या बकते हो, कॉकरोच कहाँ है, कॉकरोच कहाँ है, कॉकरोच है, बोलता क्यों नहीं? वो दाल में जी, दाल में देखिए। ओ तो ये कॉकरोच फेंका नहीं जा सकता? नहीं जी, दाल फेंकनी चाहिए, दाल फेंकनी चाहिए जी। मैं बताता हूँ किसे फेंकना चाहिए। रामू बच्चों तुम दोनों उठा के इसे बाहर फेंक दो जी। देखिए देखिए, देखते क्या, बाहर फेंक दो, दाल से बिगड़ेगा। बड़ा आया ईमानदार कहीं का अन्हाड़ी। ये क्या करता है? हम पूछता है तुम्हारा जवान चूहा लोग खा गया? मैं जा रहा हूँ मिसेस डिसन। आज हम दो घंटा के वास्ते बाहर गया, तुम भागने का प्लान बना लिया? ये बात नहीं मिसेस डिसन, अब मैं बेकारी से लड़ते लड़ते थक गया हूँ। आज क्या हो गया? और क्या होगा, आज मेरी किस्मत कॉकरोच बन के दाल में गिर गई। मैंने लोगों से कह दिया, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम सारा दुनिया का साथ ईमानदारी करता है, खाली बेईमानी हमारे साथ करना मांगता है। बेईमानी नहीं मिसेस डिसा, अब तुम ही सोचो, हर सुबह एक नई उम्मीद पैदा होती है और शाम को किसी गरीब के दिए की तरफ बुझ जाती है। इस अंधेरे से आदमी कब तक लड़ता है? फिर तुम्हारे लिए भी तो अच्छा होगा मिसेस डिसा, शायद तुम्हें कोई अच्छा किराएदार मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, हम मालूम, हम मालूम, तुम अपना फिक्र करो, सोचो तुम क्या करेगा। क्या सोचूं मिसेस डिसा, अब तो यही सोचता कि यहां से चला जाऊं बहुत दूर। अपनी हालत तो इस घड़ी की तरह है, दुनिया में कोई भी वक्त हो लेकिन यहाँ हर घड़ी 12 बजे रहते, हर चीज गलत, हमेशा गलत। ये किधर लेकर जाता है? ये तो आम बेच दिया है। बेच दिया ना, पर ये तो अधूरी है मिसेस डिसा। आम को नहीं मालूम, आम तो 10 रुपया ले लिया। 10 रुपया? हाँ, तो पहले तो तुम 2-3 रुपए में बेचा करती थी। तुमको क्या करने का है, ये 5 रुपए तुम लो, 5 रुपए आम तुमको नहीं देगा, आम रखेगा भाड़ा का। जाते बात नहीं मांगता है, नौकरी नहीं मिलता है, जाना दो। तुम पेंटिंग बनाओ, आम बेचेगा। पेंटिंग बनाने के वास्ते तुमको बाहर जाना मांगता है, हमारा साइकिल लो और ये भी कलर का वास्ते रखो, ले। नहीं मिसेस डिसा, ये मैं नहीं लूंगा, ये तुम्हारा किराया है। हम मालूम, हम मालूम, तुम अनाड़ी नहीं पक्का मवाली है। ये 5 रुपए का तुम एक दिन हमारे से 500 रुपए लूटना मांगता है, पर हम भी अनाड़ी नहीं है। हम तुम्हारा माफी बहुत देखा है, बहुत देखा है तुम्हारा माफी। पर हमने तो तुम्हारा माफी एक भी नहीं देखा मिसेस डिसा। मस्ताना मिल जाए अगर आज कोई साथी, मस्ताना तो झूम
अकल देखकर नहीं चला सकते? आंखें घर छोड़कर आए हो? अकल के दुश्मन यहाँ कहाँ आन टपके? चलो शीला, यहाँ क्यों वक्त जाया कर रही? आप? हाँ, ये साइकिल आपकी है? जी हाँ, अगर उनकी मेहरबानी ना होती तो ये लाश भी अपनी ही थी। लेकिन एक्सीडेंट हुआ कैसे? होना ही था, आपको जो देख लिया, कल नौकरी चली गई, आज साइकिल टूट गई। खैर छोड़िए इन बातों को, मेरी बातों का बुरा मत माना कीजिए, मैं तो यही कहा करता हूँ। बताइए आपको नौकरी मिल गई? नौकरी मिल गई, शुक्र है मालिक का। कैसी नौकरी है? वो लड़की है ना, वो काली पैंट में जो खड़ी है, वो मेरी मालकिन है, मैं उनकी सहेली हूँ। मेरा मतलब है मुझे उनके साथ रहना होता है। ये सब क्या? तस्वीरें बनाने का सामान। आप पेंटिंग करते हैं? जी, घर से तो पेंटिंग करने निकला था, अब घर वापस जाऊंगा तो मिसेस डीसा मेरी पेंटिंग कर देंगी। आप ऐसा कीजिए, आप कल हमारे घर आइए हमारी मालकिन की तस्वीर बनाने के लिए। क्या? अच्छे पैसे मिलेंगे। जी मैं तो जानवरों की तस्वीरें बनाता हूँ। कोई बात नहीं, हमारी मालकिन भी वैसी ही है, कल सुबह जरूर आइएगा। हाँ, कहाँ आना होगा? 26 नेपियंसी रोड। अरे बापरे, मालकिन आ रही है, मैं चलती हूँ। सुनिए सुनिए, नाम क्या पूछो? आशा, मेरा नाम आशा है। आरती उठो, चाय लाई हूँ। देखो तो बाहर दोपहर हो गए, चलो उठो। चाचा जी दफ्तर भी चले गए। अरे चाचा जी गए तो मुझे थोड़ी दफ्तर जाना है। उठती हो या चाय डालू सर पर? सताती है। आशा जी। क्या है? कोई मिलने आया? आज कोई तस्वीर बनाने के लिए आया, उनका नाम है राजकुमार। राजकुमार? अरे बाप रे, वही होगा। सुनो उन्हें ऊपर भेज दो और कहना आशा जी आ रही है, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। साड़ी उतारो। अरे क्या कर रही हो? जल्दी कर बाबा, वक्त नहीं है। तू मेरे कपड़े पहन ले, मैं तुम्हारी साड़ी पहनूं। मगर क्यों? अरे वो कल वाला पेंटर आया है, बहुत गरीब है बेचारा, मैंने सोचा कुछ उसकी मदद करूं। वो देखो मेरे सेफ में 1000 रुपए है ना, वो उसे दे देना। लेकिन ये साड़ी, इसकी क्या जरूरत है? अरे बाबा, वो मुझे आशा और तुम्हें आरती समझता है, सेठ रामनाथ जी की भतीजी समझी, और वो आरती की तस्वीर बनाने आया है। अरे बाप रे, नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। आशा प्लीज मेरे लिए। हाँ हाँ, चलो आओ। क्या देख रहे हैं आप? एक तस्वीर, तस्वीर जो मैं बरसों से बनाना चाहता था, आज आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। तस्वीर? जी हाँ, मुद्दत से एक तस्वीर के धुंधले से नक्श मेरे दिमाग में थे। एक बहुत खूबसूरत लड़की, लंबे घने बाल कंधों पे पड़े हुए, बालों में पानी की बूंदे जैसे फूलों पे शबनम, आंखों में समंदर की सी गहराई, होंठों पे एक ऐसी मुस्कुराहट जो मौत भी ला सकती है और जिंदगी भी दे सकती। सुनिए, आज मैं आपकी तस्वीर क्यों ना बनाऊं, आपकी मालकिन की तस्वीर फिर कभी बना लेंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मालकिन सुन लेगी तो गजब हो जाएगा। क्यों? आपकी मालकिन आपसे अच्छा सलूक नहीं करती? वैसा ही जैसे मालिक लोग हर नौकर के साथ करते हैं, मिजाज की बहुत चिड़चिड़ी है। ये बात है? फिर तो मैं लंबे पैसे मांगूंगा, अमीर आदमी से मुझे कोई हमदर्दी नहीं। होने भी नहीं चाहिए, खूब लंबे पैसे मांगू। जी हाँ, 20 रुपए मांगूंगा। 20 रुपए? ज्यादा है, अगर आप कहें 1-2 रुपए कम कर दूंगा। नहीं नहीं, आपको तो पूरे 1000 रुपए लेने चाहिए।
मुझे कौन देगा? मैं दूंगी। मेरा मतलब है मालकिन देगी। मैं गरीब आदमी, आप मजाक करती थी, लेकिन मेरी जबान लड़खड़ा गई, दिल धड़कने लगा है। मैं सच कहती हूँ, आपको 1000 से कम नहीं लेने चाहिए। ये बड़े लोग तस्वीर नहीं झूठी शान खरीदते हैं। आइए। सुनिए 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 आरती जी, सुनिए देखिए। आरती जी आई। 1000 रुपए से कम मत लीजिए। देखिए आरती जी, यही है वो चित्रकार, देश भर में इनकी धूम मची है। मैंने तो सिर्फ 1000 रुपए में इन्हें मना। नहीं नहीं, 20 20। हाँ हाँ हाँ, 20 20 हजार। इनका कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपनी पहली तस्वीर 20 हजार में बेची है। हाँ तो मालकिन कहाँ बैठे? कहीं भी बैठ जाए। अच्छा तो आप यहाँ आ जाइए, आइए ना, आप यहाँ आइए, आप बैठ जाइए, बैठे ना। ये क्या, आप मुझे मुंह चिढ़ा रही हैं? देखिए, आपने मुझे यहाँ तस्वीर बनवाने के लिए बुलवाया या मेरा मजाक उड़ाने के लिए? क्यों? ये आपका चिड़चिड़ापन लोगों को अच्छा लगे मगर तस्वीर में अच्छा नहीं लगता। इस तरह से मुझे तस्वीर नहीं बनेगी। तो मुझे भी तस्वीर बनवाने की जरूरत नहीं। आशा इधर आओ। जी इधर आओ, तुम इसकी तस्वीर बनाओ। मेरी तस्वीर? हाँ, मालिक के साथ जबान नहीं लड़ाते समझी? बैठो यहाँ, तुम इसकी तस्वीर बनाओ। क्या चिड़चिड़ा मिजाज पाया? आप ठीक ही कहती, आपका इनके साथ गुजारा कैसे होता है? क्या करे, मजबूरी क्या कुछ नहीं कराती। पिताजी है नहीं और माँ गांव में बीमार पड़ी है, बहुत पुरानी और लंबी बीमारी है। इलाज के लिए ढेर से रुपए चाहिए, इसीलिए तो इनकी 40 रुपए की नौकरी मंजूर कर ली। चलिए इलाज तो नहीं होगा, कम से कम माँ तो भूखी नहीं मरेगी। हरगिज नहीं। एक मिनट ठहरिए। देखिए क्या है। देखिए, आप भले मेरा मुंह चिढ़ाएं, मजाक उड़ाएं, जो जी चाहे सो करें, मैं आपकी तस्वीर बनाने के लिए तैयार हूँ। कह तो दिया मैं तस्वीर बनवाना नहीं चाहती, तुम आशा की तस्वीर बनाओ। तुम्हें रुपए चाहिए ना, ये रहे तुम्हारे 1000 रुपए। देख क्या रहे, लो ना। अब जाके आशा की तस्वीर बनाओ, जाओ। देख रहे हैं 1000 का नोट? जी हाँ, जिंदगी में पहली बार देखा है। आप भी देखिए, देखिए ना। रखिए, अब आप मेरी तस्वीर बनाइए चाहे ना बनाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तस्वीर तो मैं आपकी जरूरी बनाऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज आज मुझे काम है। अच्छा। मैं कल रोज रोज इसी वक्त आ जाया करूंगा। इसे सुनिए, इसे आप रख लीजिए। क्यों? अपने घर भेज दीजिएगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। रखिए रखिए, बहुत जरूरत है, आपकी माँ बीमार है ना। देखिए, उसके लिए मैं मालकिन से पैसे मांग लूंगी। काम का आप इन लोगों का एहसान क्यों लेती हैं? मगर आपका एहसान? एहसान तो अमीर आदमी करते हैं, हम गरीब तो सिर्फ एक दूसरे की मदद कर सकते।
की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर है, माना अपनी जेब से फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। यस मिसेस डिसा, आज अपन बहुत खुश है। हमको मालूम काय को, आज तुमको पैसा मिला ना? यस मिसेस डिसा, हाँ बहुत पैसा मिला, इतना पैसा मिला, 1000 रुपया कैश पेश की एडवांस। यस इधर आओ। क्यों मिसेस डिसा? हम बोलता इधर आओ। नहीं नहीं नहीं, हम दारू नहीं पिया, सच ऑनेस्ट ट्रुथ बोलता मिसेस डिसा, हमको 1000 रुपया मिला। ला पैसा। वो बात ये मिसेस डिसा के बात कुछ नहीं है, लाओ पैसा। हम एक लड़की को दे दिया। लड़की को? तुम लड़की के लफड़े में पड़ गया? हम गरीब आदमी, पगड़ी नहीं लिया, हम भूखा रहा, तुमको खिलाया और तुम। मिसेस डिसा, वो तुमसे बहुत गरीब है, बहुत गरीब लड़की है, उसका माँ गांव में बीमार है, बहुत लंबा बीमारी है, मालूम नहीं बचता है कि नहीं बचता। मिसेस डिसा, अब तुम सोचो है, अगर तुम बीमार हो जाओ और तुम्हारा बचने का कोई चांस नहीं। नहीं मिसेस डिसा, हम तुमको काय को मारेगा? काय को हम भाड़ा जो मानता है, पर हम बोल देता है, हम बोल देता हम नहीं मरेगा, और मरेगा तो हमारा भूत तुम्हारा पीछे पीछे में जाएगा और भाड़ा मांगेगा। मिसेस डिसा, तब तो तुम्हारे साथ ही जाना अच्छा है। क्या बोला? कुछ नहीं मिसेस डिसा, ऐसे बोलता। राजू, क्या तुम सच बोलता है? वो लड़की का मां रियली बीमार है? यस मिसेस डिसा। तो तुम बाजार में खाना खा लेना, हमको लेट हो जाएगा, हम रजनी वकील के पास जाता है। वकील के पास काहे को? तुमको नोटिस देगा, इस घर से बाहर हकाल देगा। इस घर से तो तुम हकाल देगा मिसेस डिसा, ये तो ईंट गारे का बना है, मगर वो दूसरे घर से निकालने के लिए कौन सा वकील लेके आओगे,
और वो घर भी सोने का है। सोने का घर? हाँ मिसेस डी सर, तुम्हारा दिल। अच्छा, हमको मस्का मारता है? अपन के पास दिल विल कुछ नहीं है, मवाली कहीं का। अरे दिन का रात हो गया, अभी तक तुम सोए ल है? खाना खाया? नहीं मिसेस दिशा, आज अपन को भूख नहीं है। छोकरी का मुंह देख के तुम्हारा पेट भर गया, पर पैसा किधर है? पैसा किधर है बता? भूखा मरो तुम, ऐसा भूखा मरो। अच्छा 1000 रुपया मिल गया होता तो छोकरी को दे दिया, बड़ा धर्म वाला बन गया है। अरे बाप रे, इधर में पैसा रखा है, हमको झूठ बोलता है और बोलता पैसा नहीं है। इधर मिसेज जी, ये क्या है? ये पैसा नहीं है मिसेज जी सर, ये पैसा इधर पहले में नहीं था। पहले नहीं था? नहीं मिसेज जी सर। और झूठ बोलता है? यस मैं नो मिसेज जी सर, पर मैं सच्ची बोलता हूं मिसेज जी सर, ये पैसा पहले इधर नहीं था। और झूठ बोलता है? पहले पैसा नहीं था। ओ गॉड, ये हमको कैसा भारत मिला है? भाड़ा नहीं देता हूं, हमको झूठ बोलता है। नहीं मिसेज जी सर, हम तुमको नहीं रखेगा हमारे घर में, हम निकाल देगा। मिसेज जी सर, हमको नहीं मानता इधर भारत। मिसेज जी सर, मिसेज जी सर, मरूंगा तो अपनी मौत मरूंगा, आपका एहसान क्यों लूं? एहसान के बच्चे कहाँ है तेरे और साथी? मैं सब जानता हूं तुम्हारी तरकीबें, हाथ पांव टूट रहे, मुझसे कीमत देना चाहते हो तुम? जरा अपनी मोटर की बत्ती जला दीजिए, मेरी अठन्नी खो गई है। अठन्नी खो गई? जी हाँ, खाना खाने जा रहा था, अठन्नी लेके खो गई। ये लो और आंखें खोल के चला करो। मैं बेकार हूं, भिखारी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हें खाना ही खाना है ना, चलो मेरे साथ शान महल होटल में चलो। बहुत बहुत मेहरबानी, भीख का टुकड़ा खाने के लिए मोटर में बैठ के शान महल होटल जाने की क्या जरूरत है, यहीं भीख मांग सकता हूं। ये लो तुम्हारी अठन्नी मिल गई। मिल गई जी? ये तो निकल की है, मेरी अठन्नी असली चांदी की थी। आपका बटुआ गिर गया, सुनिए सुनिए, ये बटुआ, आपका बटुआ गिर गया। क्या रे, तूने बटुआ मारा? नहीं, ये तो सांप का, यहाँ गिर गया था। गिर गया? झूठा कहीं का, चल पुलिस में। पुलिस में क्यों? जान दे यार, जान दे, ये अपना आदमी है, ला ला बटुआ, मुझे दे, मैं सांप को दे दूंगा। नहीं, मैं खुद दे दूंगा।
मिसेस डिसा, ये मेरा नहीं मिसेस डिसा, ये रास्ते पे वो आदमी है ना, आओ हमारे साथ, किधर मिसेस डिसा, चलो हमारे साथ, मिसेस डिसा, चलो, मेरी बात तो सुनो मिसेस डिसा, सब मेरी बात तो सुनो, हाँ कुछ नहीं सुनना मानता, मिसेस डिसा, आओ हमारे साथ, मिसेस डिसा मैंने क्या किया, हाँ मालूम तुम क्या किया, बोलो हमारे साथ में बोलो ओ जीसस मैं कन्फेस करता हूँ क्या कन्फेस करता हूँ बोल जो हम बोलता है ओ जीसस हमारा गुनाहों का माफी कर मैंने कौन सा गुनाह किया मिसेस डिसा कभी चोरी नहीं की मैंने चोरी नहीं की मिसेस डिसा वो मैंने चल माफ तुम समझते क्यों नहीं मैंने माफ कर दो ओ जीसस फॉरगिव माय सोल राजू आज तुमने मेरा दिल तोड़ दिया तुमने चोरी की मैंने चोरी नहीं किया मिसेस डिसा तुम्हारे जीसस का कसम खाता हूं तुम गॉड के सामने भी झूठ बोलता है हम झूठ नहीं बोलता हम झूठ नहीं बोलता मिसेस डिसा हम गॉड को धोखा दे सकते हैं हम तुमको धोखा नहीं देगा हम भगवान के सामने झूठ बोल सकता मगर तुम्हारे सामने मिसेस डिसा झूठ नहीं बोलता किसका पाकेट है वो नहीं मालूम मिसेस डिसा रास्ते के लोग ने मेरे को मारा मिसेस डिसा मेरे को मारा मुझे चोर बोला मेरे को पाकेट मार बोला मेरे को उसका दुख नहीं है मिसेस डिसा तुम भी हमको चोर बोलता तुम भी हमको विश्वास नहीं करते नहीं ऐसा बात नहीं ये बात नहीं पैसा का वास्ते आदमी शैतान बन जाता है हम समझा पैसा का लालच में तुम भी अंधा हो गया होगा जा अभी का भी उस होटल में जा और उसका पैकेट उसको वापस दे कर आ जब तक तुम नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएगा पानी भी नहीं पिएगा जा किधर जाते हैं अंदर अंदर क्या काम है बंद जो तू हम नहीं जानते हम बोलते तुम बात चले जो इधर से अरे बाबा हमको नहीं देख लेंगे तुम जो इधर से चल अब अंदर जाओ सर जी ये वो बैठे में बैठे जी आप यहाँ हैं जी हाँ आप ही की तलाश में मैं यहाँ आया हूँ मेरी तलाश में जी ये हालत क्या बना रखी है आपका ये बटुआ गिर गया था मैंने आपको बहुत सी आवाजें दी पर आपने सुना ही नहीं इतने में आसपास के गुंडे ये बटुआ छीनने के लिए मेरे गिर्द हो गए मेरे कपड़े फाड़ दिए मेरी हालत बना दी खैर जो वर्षों हुआ शुक्र आपका बटुआ तो मिल गया मैं जाता हूँ सुनो बैठ जाओ बैठ जाओ तुम जानते हो इस बटुए में कितने रुपए हैं बहुत से रुपए हैं और तुम ये मुझे वापस करने आए हो जी तब तो तुम बिल्कुल अनाड़ी देखिए इस बटुए के लिए आज लॉर्ड के सामने मेरी बेइज्जती हो गई और अब आप मुझे अनाड़ी कहते बैठ जाओ बैठो देखते हो रंगीन जिंदगी हीरे मोती जवाहरात से लदी हुई औरतें भड़कीले कहकहे लगाने वाले ये मर्द ये लोग सब कौन है कुछ नहीं मालूम ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं मुझे इजाजत दीजिए क्या काम करते हो बेकार नौकरी चाहते हो मुझे नौकरी मिलेगी
इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना। मुझे काम मिल जाएगा? मिल जाएगा नहीं, मिल गया। कौन? कुछ खाना खाओ? नहीं जी, घर में मेरा इंतजार हो रहा है। बीवी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। माँ? जी यूं ही समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आज सूरज किधर से निकला? डर रहा है। बात क्या है आज? किस खुशी में इतनी जल्दी सिंगार हो रहा है? पेंटिंग के लिए। पेंटिंग के लिए या पेंटर के लिए? चल हट। चाचा जी, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। बुखार उखार तो नहीं हुआ? नहीं तो क्यों? मुझे तो तुमने डरा दिया, आज पहली दफा तुम्हें जागता हुआ देख रहा हूँ। मैं जब सुबह रोज दफ्तर जाता हूँ तो तुम सोई हुई मिलती हो, और जब शाम को वापस आता हूँ तब भी सोई हुई मिलती हो। मैंने तो तुम्हें यूं ही बढ़ते देखा है, यूं बढ़ते हुए तो आज ही देख रहा हूँ। क्या करें चाचा जी, आप भी तो रोज देर से आते हैं, आखिर कोई कब तक इंतजार करे? अच्छी बात है, मैं आज शाम से रोज जल्दी आ जाया करूंगा। बेटे तुम जरा मिठाई बांट। क्यों चाचा जी? मिठाई बांटो, आज हम अपनी आरती के साथ पहली दफा बैठ के नाश्ता करेंगे। जल्दी तैयार हो जाओ बेटा, मीटिंग है। सलाम सर। जनाब ये क्या हो रहा है? काम काम तो तमाम हो गया, अब अपनी दुकान बढ़ाइए। क्यों, मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। अजी जनाब, ये सारा स्टाफ बड़े साहब को सलाम के लिए खड़ा हुआ और आप अपने तख्ते ताउस पर ही जे मेरे। लेकिन मैं तो काम में लगा हुआ था ना। यही तो ये गुलाम अर्ज कर रहा है जनाब कि एक क्लर्क की जिंदगी में काम से ज्यादा सलाम की जरूरत है। सलाम की, आओ तो सलाम करो, जाओ तो सलाम करो। अजी मैं तो जब अपने घर से निकलता हूँ तो अपनी बीबी को भी सलाम करके निकलता हूँ। आपको बड़े साहब ने सलाम भेजा। लो सलाम आ गया। भैया कोई भूल चुक हुई हो तो माफ करना। बेचारा बड़ा अच्छा आदमी था, किस्मत की बात है सलाम करना नहीं आया उसे। कोई रियायत नहीं की जाती तुम्हारे पास, कंपनी है, गौठाना नहीं है। अकाउंटेंट के पास जाओ, हिसाब कर लो। का मैं अंदर आ सकता हूं जी? यस कम इन। बैठ जाओ। कल तो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? अकाउंटेंट से मिलने के लिए। अकाउंटेंट से मिलने के लिए क्यों? जी वो मैंने उधर आपको सलाम नहीं किया ना। सलाम का काम से क्या ताल्लुक? जी यही तो मैं भी कहता हूँ कि काम के साथ सलाम का क्या ताल्लुक? आहिस्ता बोलो, बैठ जाओ। तो मैं भी कहता हूँ काम के साथ सलाम का क्या ताल्लुक? तुम मेहनत से अच्छी तरह से काम करो, अगले महीने में तुम्हें और भी जगह अच्छी दी जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ काम करो। जी बोलो जी। अकाउंटेंट के पास जाओ, 100 रुपए लेके कुछ ढंग के कपड़े बनवा। थैंक यू सर। क्या हुआ भैया, छुट्टी अभी से या एक महीने के नोटिस के बाद? जी घबराने की कोई बात नहीं, ये नौकरी गई तो दूसरी मिल जाएगी। दूसरी तो मिल भी गई है। कहाँ? यहाँ इसी कंपनी में। हाँ बड़े साहब ने कहा किसी तरह मेहनत से काम करते रहो तो अगले महीने अच्छा काम भी मिलेगा और तरक्की भी। तरक्की भी? जी हाँ। तो आपको नोटिस नहीं मिला? नहीं। अरे अच्छा, बहुत अच्छा।
फिर चाय भी खराब हो गई। बड़ी बेचैन नजर आती हो, किसका इंतजार हो रहा है? कौन है वो? छोड़ो भी, चलो आती हूँ सिनेमा। चलो नहीं, तुम लोग चले जाओ, मेरे सर में दर्द है। अरे तब तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आरती कहाँ? नीचे। अरे ये क्या, अभी तो तुम्हारे सर में दर्द है। जाने दो जाने दो, नीचे डॉक्टर आया है। ओ आए हैं आप? नमस्ते। मैं तो दिन भर इंतजार करती रही। मेरा इंतजार करती? जी हाँ, मेरा मतलब है पेंटिंग के लिए। फिर सोचा कि आप नहीं आएंगे। आऊंगा कैसे नहीं, 1000 रुपया ले चुका हूँ मैं। 1000 रुपये ना लेते तो ना आते? तब भी आता। बात यह है कि मुझे एक नौकरी मिल गई है। जी हाँ, इसलिए शाम को ही आ सकूंगा। ऊपर नहीं चलिएगा, अंधेरा हो रहा है, बाद में तस्वीर बनना मुश्किल होगा। ऊपर बहुत गड़बड़ है, मालकिन की सहेलियां आई हैं, थोड़ी ही देर में सारा घर पागलखाना हो जाएगा। ओ सॉरी। ये लड़की थी या लड़का? लड़की। मैं लड़का समझा था। देख लिया आपने, ऐसे ऐसे नमूने आते रहते हैं यहाँ दिन भर। और भी हैं ऐसे नमूने? कभी कभी तो जी चाहता है कि भाग जाए। चलिए पार्क में जाके बैठे। पार्क में अकेली जाओगी? जी हाँ, मैं अभी यही इनसे कहने वाला था कि लड़कियों को आजकल अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा तो आरती जी, हिफाजत के लिए कोई चौकीदार साथ दे। जो तुम्हारे दिल में आए करो। मेरी राय तो है जी कि अभी आप चलेंगे भी या नहीं? चलो तो फिर चलिए। अरे बाप रे, क्या हुआ? आइए मेरे साथ। कहाँ? आइए ना। बात क्या है? मालकिन की चाचा जी। तो क्या होगा? भतीजी शेर है तो चाचा सवा शेर। आइए। मैंने किस मुश्किल से जान छुड़ाई और मुझे उल्टा फंसा रहे थे। आज मैं आप पे मिलने का, वर्षों की बेकारी के बाद नौकरी का मिलना आप तो समझती हैं क्या होता है? समझती क्यों नहीं, मेरी भी तो कोई सरकारी नौकरी नहीं, एक अमीर लड़के की मर्जी पर निर्भर है। मैं आपका दुख समझता हूँ। कुछ नहीं समझती। अगर समझती तो ये मालूम नहीं होता कि मैं आपके साथ क्यों बाहर आना चाहती थी। क्यों आना चाहती थी पूछ रहे हैं? क्यों? अनाड़ी। अनाड़ी। एक बार फिर कहिए। अनाड़ी अनाड़ी अनाड़ी। कोई और कहता तो दांत तोड़ देता, आप कहती तो बहुत अच्छा लगता। वो चांद देखा कितना सुंदर है। कितना अच्छा, पूनम का चांद है ना। और ये रात भी कितनी प्यारी है। लेकिन थोड़ी सी ठंड है। और ये फूल देखा कितना अच्छा है, मुझे बालों में लगाना बहुत पसंद है। सुना आपने? कितना अच्छा फूल है। मुझे बालों में लगाना बहुत अच्छा लगता है। लगाइए ना। चांद
है वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। रामलाल जी, तू मद्रास तक पहुंच गया? मद्रास तो दूर है, लेकिन भगवान तो दूर नहीं है। उन्होंने सिंगापुर से फ्लू आदमियों के साथ मद्रास भेज दिया, बंबई आने में क्या देर लगती है? कितने आदमी? 50। हिंदुस्तान में तो 35 करोड़ आदमी बसते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये बीमारी 5 से 50, 50 से 50 सौ, 50 हजार, 50 लाख, 50 करोड़? नहीं नहीं भगवान, मैं लालची नहीं हूँ, मैं तो तेरे दरवाजे का भिखारी हूँ। भगवान आपने मुझे बुलाया बड़शाह। हाँ, वो फ्लू की दवाई जो है हमें बहुत ज्यादा मकदार में बनानी है जी। तब तो फैक्ट्री तीनों शिफ्ट चलानी पड़ेगी। तो चलाइए। लेकिन अगर फ्लू की बीमारी इतनी ना फैली तो? लो, एक और नास्तिक आ गया। अरे भाई, तुम अपना काम करने के बजाय भगवान के काम में क्यों दखल देते हो? तुम्हारा काम है दवाई बनाना, बनाओ, फ्लू भगवान ले आएंगे। जाओ अपना काम करो। जी बहुत अच्छा। हम नहीं बना तो। ए मिस्टर, मेरे पास माचिस है, तुम्हारे पास एक सिगरेट है? मैं धूम्रपान नहीं करता।
तेरी की किसी काम का नहीं, सिर्फ काम करना जानता है। अजी इतना काम क्यों करते हो, सुना नहीं तुमने? आज का काम कल करो, कल का काम परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा जब जीना है बरसों। वैसे तो मेरा नाम कामदार है मगर मैं हूँ कामचोर, किसी को बोलना नहीं है। अब हटाओ ना, आज तो काम बंद करो। क्यों, सुना नहीं तुमने? आज तो ऑटोग्राफ देने, ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ? हाँ, बड़े साहब को ऑटोग्राफ देके तनख्वाह लेनी है, तनख्वाह। आज तनख्वाह मिलेगी? हाँ तनख्वाह मिलेगी। ओ हाँ, आज तो तनख्वाह मिलेगी। मिसेस डीसा कितनी खुश होंगी। राजकुमार, कल से तुम स्टोर में काम करो, ये काम बहुत जिम्मेदारी का है और अच्छी तरह से करना। बहुत अच्छे। फाइल उल्टा था, मैं गया काम से। इसीलिए तो कहते हैं काल करण सो आज कर, आज करण सो अब। ये तो मैंने आज ही सुना। आठ और पांच तेरह, तेरह और छह आठ, आठ के नौ, नौ रहे बाकी सात, सात और तेरह और छह उन्नीस, तेरह और छह उन्नीस। अब क्या फायदा, तेरह और छह पांच ही रहने दो। पहला पगार मिला। पगार मिला? हमारे पैसा ला। क्या मिसेज जी साहब, जब ही तो पैसा का बात, पैसा का बात। कभी प्यार का बात करो ना मिसेज जी। अरे बेशर, प्यार का बात करने के वास्ते वो छोकरी का पास जाओ, उसको हजार रुपया दिया है तुम। मिसेज जी साहब, हजार हजार का क्या बात करता, हम तुमको लाखों रुपया देता है मिसेज जी साहब। ये लो हमारा पहला पगार मिसेज जी साहब। तुम्हारा पास रखो, कल सुबह में भगवान का पास जाओ मंदिर में, पूजा दो। मिसेस डीसा, तुम तो क्रिश्चियन है ना, तुम मंदिर भगवान में विश्वास करते? अरे पगला, तुम्हारा भगवान, हमारा गॉड, मुसलमान का खुदा सब एक है, पर आदमी लोग उसको अलग अलग नजर से देखता है। अभी देखो, तुम्हारा बाप का नजर में तुम बेटा, तुम्हारा बेटा का नजर में तुम बाप, तुम्हारा औरत का नजर में तुम पति, पर तुम तो एक ही है ना, है कि नहीं? Yes, Mrs. Disa. नहीं मिसेस डीसा, हम पति कैसे होगा, हमारा शादी नहीं, हमारा बीवी नहीं, हमारा बच्चा कैसे होगा? अरे हम मारेंगे तुमको। मिसेस डीसा, हमको जितना मारना है मारो, है लेकिन आज तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरे अरे told me you love me when they
जल्दी करो मिसेस जी, मेरे को बहुत देरी होता है। आप ही छेड़ो बाबा। तुम छोकरी लोग का यही तो मुसीबत है, हार सिंगार में आधी जिंदगी अपनी और इंतजार में आधी जिंदगी दूसरे का बर्बाद कर देता। अभी आ जाओ। क्या बात है, क्या देखता है तू? ये क्या करता है? नजर नहीं लग जाए मिसेस डिसा। माँ वाली। आंखें बंद करो। काय को? आंखें बंद करो तुम बस। नहीं, बंद करा। अभी खोलो आंखें। सस्ती टोपी है ना मिसेस डिसा, तुम तो जानती हो मिसेस डिसा अपनी हालत ही, ये सस्ती टोपी है मिसेस डिसा। राजू, मेरा बेटा राजू। ये सब पैसा का जितना खाना मिलता है लेके आओ। नो नो नो, ओनली टू डिनर्स, खाली दो खाना मांगते है खाली। हे, तुम्हारा पीछा फिर के लाए क्या? नहीं मिसेस डिसा, आज हम बहुत खुश हैं मिसेस डिसा। बचपन में हमारा माँ मर गया था ना, इसलिए हम तुमको लूटने को मांगता है। नहीं मिसेस डिसा, लूटने को नहीं मांगता, हम तुमको खुश करने को मांगता है। हमको खुश करने को मांगता है, तुम जल्दी शादी बनाओ, अच्छा लड़के ढूंढ कर लाओ। मिसेस डिसा, हम एक लड़की ढूंढा। तुम लड़की ढूंढा या लड़के तुमको ढूंढा? नहीं मिसेस डिसा, हम लड़की को ढूंढा। अरे अन्नाड़ी, तुम क्या लड़की ढूंढेगा? इधर में है लड़की, पहले आप देखना मांगते हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस नाच का नाम है पैशन का साथ, और ये हमारी ख्वाहिश है कि आज के इस नाच में आप भी शामिल हो। इसलिए हमने लॉटरी निकाली है और 3 टेबलों का नंबर निकला है। उन साहिबान से हमारी दरख्वास्त कि वो जरूर इस नाच में शामिल हो। जो आज के इस नाच में सबसे ज्यादा कामयाब रहेंगे उन्हें मिस 1959 एक खूबसूरत गुलदस्ता भेंट करेंगे। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये है पैशन का साथ। दुनिया का ढांचा बदला, किस्मत का सांचा बदला, आंखें तो खोल लो जरा लाला हो कहां।
निराले राज निराले जीवन के सारे साज निराले महफिल महफिल घूम धरती के जाए अंबर पे छाए फैला के बाहे चंदा बुलाए हेलो कौन कहानी हो गई पुरानी दुनिया पे फिर से आई जवानी बहती बहती चाल साड़ी से चोली होली से बोली मिलके मचा दो रंगों की होली ये फैशन बढ़ेंगे कपड़े घटेंगे मालिक ही जाने कितने रहेंगे मौसम का ये खेल जुल्फे छटाओ नाखून बढ़ाओ चेहरे पे नकली चेहरा चढ़ाओ दुनिया साबुन से 1959 नाम क्या आशा तुमको कौन पूछा इसका अपना नाम मालूम नहीं क्या नाम है आशा 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 क्या बाप का नाम नहीं आशा सोहनलाल हाँ ऐसा बोलो चलो इधर आओ बैठो ऐ उधर नहीं ए बाजू आओ तुम्हारा बाप क्या काम करता है मिसेस डिसा इनका बाप बचपन में मर गया था तब तो बेचारे को खुद काम करना पड़ता है हम पूछता है जब जिंदा था क्या काम करता था क्या धंधा करता था बोलो आशा बोलो मेरा बाप फर्नीचर तुम्हारा बाप फर्नीचर फर्नीचर नहीं मालूम मिसेस डिसा वो सुतार किला ठोकने वाला किला शर्म आ गई इसमें शर्म आने का क्या बात है हमारा जीजस भी सुतार था हाँ। अरे मेहनत आदमी को खुदा का नजदीक लेकर जाता है बिल्कुल ठीक तुमको खाना पकाना आता है बहुत फर्स्ट क्लास खाना पकाती है मिसेस डिसा तुम कहेगा तो उंगली काट लेगा तुम चुप रहो नहीं तो हम तुम्हारा जबान काट लेगा चलो हमारे साथ किचन में आओ आमलेट कभी खाया जी हाँ रोज खाती हूँ मेरा मतलब है मालकिन बनवाती है ना तो बचा खुचा मुझे भी मिल जाता है बहुत फर्स्ट क्लास ऑमलेट बनाता है मिसेस डिसा हम खाया हाँ मिसेस डिसा आज हम खाएगा लो तोड़ो अंडा बनाओ ऑमलेट
सीख जाएगा मिसेस डिसा, सीख जाएगा। बुड्ढा तोता क्या सीखेगा? तुमको कोई बताया नहीं, सब छोकरी लोग को एक दिन शादी बनाना है, एक दिन माँ बनना है। फैशन तो देखो, असली मेम साहब भी शर्मा जाएगा। आशा 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 आशा, तुम उनकी बातों को बुरा मत मानो, मिसेस डिसा का ये मतलब नहीं था। वही मतलब है, बराबर वही मतलब है, हम जो बोलता है वही मतलब होता है। आशा आशा, ए अनाड़ी, तुम किधर जाता है? वो आशा, तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, चलो ऊपर जाओ। आशा, आरती को बुला। अभी जागी नहीं? मैं अभी तक सो रही हूँ। ये क्या हुलिया बना रखा है? चाचा जी, हर लड़की को एक दिन बीवी बनना है, माँ बनना है। लड़की को ऐसा होना चाहिए जो घर बना सके, घर की देखभाल कर सके। क्या मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं मालूम चाचा जी, जब मैंने पूछा तो मुझे भी यही जवाब मिला। अब तो तुम्हारी शादी की भी फिक्र करनी पड़ेगी, मगर तुम्हें ये सब काम करने की क्या जरूरत है? तुम तो जहाँ जाओगी रानी बनकर रहोगी। तुम्हारी शादी तो किसी लखपति करोड़पति से होगी। हाँ, और वो करोड़पति कोई आपकी तरह होगा जो 24 घंटे पैसों के पीछे भागता फिरेगा। ऐसे करोड़पति से कोई गरीब क्लार्क क्या बुरा है? गरीब क्लार्क में कोई बुराई नहीं, बुराई गरीबी में। ये बेरहम चक्की इंसान और इंसानियत दोनों को पीस के रख देती है। इस गरीबी ने ही तुम्हारे माता पिता को मुझसे छीना था। उस वक्त मेरे पास एक मुट्ठी भर पैसे भी नहीं थे, और आज मैं वो वक्त लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकता। इसलिए मुझे गरीबी से नफरत है। हेलो, क्या कब हुआ ये? मैं अभी आता हूं। चाची जी, नाश्ता तो करते जाइए। नहीं बेटी, बहुत जरूरी काम है, अभी जाना पड़ेगा, शाम को वापस आ जाऊंगा। जल्दी सुन लिया चाचा जी ने क्या कहा? क्या कहा? यही कि गरीबी बहुत बुरी होती है, उन्हें गरीबी से नफरत है, और वो गरीब है तुम्हारा पेंटर। मैं तुम्हें अभी कहती हूँ, तुम उसे भूल जाओ, भूल जाओ कि तुम आपस में कभी मिले थे। दोनों में मेल ही क्या है? तुम कहाँ, वो कहाँ? अभी 2 मिनट बाकी। ये घड़ी बहुत आहिस्ता चलती है। तुम्हारा दिल बहुत तेज चलता है। एक वक्त था कि हम भी सोचा करते थे कि दुनिया की हर घड़ी बहुत आहिस्ता चलती है। यही सोचा करते थे कि 5 किस वक्त बजेंगे, पर अब तो सोचते हैं कि 5 बजते ही क्यों है। लेकिन कल से तुम क्या करोगे? कल से तो ओवरटाइम शुरू हो रहा है ना। ओवरटाइम? हाँ, फ्लू आ रहा है ना, और मालिक लोग कहते हैं कि अगर भगवान की दया हुई तो फ्लू बहुत फैलेगा। भगवान की दया से बीमारी फैलती है या रुकती है? मेरा तो ख्याल है कि फैलती है, क्योंकि भगवान आजकल इन्हीं लोगों की ज्यादा सुनता है। कभी कभी गरीब की भी सुनता है। देखो इस वक्त उसने तुम्हारी भी सुन ली। अच्छा अब जाओ छुट्टी का। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आपने मुझे बुलाया था सर? वो दमे की दवा का स्टेटमेंट तैयार हो गया? एक बक्से का हिसाब नहीं मिल रहा है। क्या कहते हैं? मैं आपसे कह चुका हूं कि वो जहर भूल से कहीं फ्लू की दवा के साथ मिल गया तो गजब हो जाएगा। दोनों देखने में एक ही जैसे हैं और पैकिंग भी एक ही जैसा है। जाइए देखिए। जा रहा हूं सर। जी आप? हाँ, तुम यहाँ? जी मैं यहाँ एक लड़की से मिलने आया हूँ। लड़की? हाँ जी, आशा यहाँ काम करती है। और आप? मैं भी एक लड़की से मिलने आया हूँ यहाँ, आरती। आरती जी, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ जी, तुम इस मालिक मकान को भी जानते हो? जी नहीं, वो तो अजीब पागल किस्म का आदमी है।
अच्छा? हाँ जी, दिन रात पैसे के पीछे भागता, यहाँ तो कभी दिखाई नहीं देता। आइए आइए, मैं आपको आरती जी से मिला देता हूँ। आइए आइए आइए। सरकार, वर्मा जी का टेलीफोन आया था, उन्होंने कहा है मीटिंग आज के बजाय कल होगी। अच्छी बात, तुम चाय का बंदोबस्त कर। इसका मतलब आप? मैं ही वो अजीब पागल हूँ। देखिए मुझे माफ कीजिएगा, मैं अनजाने में उल्टा सीधा कह गया। उल्टा सीधा कुछ नहीं कहा तुमने, सब सीधा कहा। आओ बैठ। आशा, तुम आशा को कब से जानते हो? 2 महीने से जी। बैठो। सिर्फ 2 महीने से? जी। आशा, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, होने वाला है, नीचे जाके देखो। अरे आज ही इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं भी आता हूं। मर गई चाची जी, तो ऊपर ही आ रहे हैं। ऊपर आ रहे? अब घबराने से क्या फायदा, इस भूसे के गोदाम से कुछ निकाल। क्या निकालूं, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर। ये क्या कहने पूछी हो रही तुम तो? कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे, वो राजकुमार नीचे आए हैं ना। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है? जी मुझे आशा ने बताया। आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है? जी मैं, जी आरती, घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना। हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तुम्हें खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो। सॉरी। हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है। हाँ, और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं, और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा? मुझे आशा ने बताया। शर्मा रही? जा नीचे चल, चल वो इंतजार कर रहा था। आज पकड़ी गई? जी हाँ, खूब पकड़ी गई। अच्छा मेरी चिट्ठी उठी तो नहीं आई कोई? जी हाँ, एक चिट्ठी आई है, आपके कमरे में रखी है। नमस्कार जी, सब ठीक है ना? ठीक, क्या सब गड़बड़? गड़बड़ कैसे? गड़बड़? देखिए आप पहले चले जाइए फिर बताती हूँ। जी देखिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए ना प्लीज। कहाँ जा रहे हैं चाचा जी? नीचे चाय पीने, तुम भी चलो। नहीं चाचा जी, मुझे पराए लोगों के साथ बैठने में शर्म आती है। शर्माने की क्या बात है इसमें, चलो। अरे चलो ना। अच्छा आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। अरे राजकुमार तुम जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो बैठो। चाचा जी क्या है? आपका फोन आया है। किसका है? नाम तो नहीं बताया लेकिन शायद है बहुत जरूरी। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। क्यों क्यों? आपको मालूम नहीं चाचा जी है ना बहुत गर्म मिजाज के हैं। नहीं नहीं, वो तो बहुत हंसमुख आदमी है, हमेशा हंसते रहते हैं। यही तो मुसीबत है, जब वो हंसते हैं तो इसका मतलब है गुस्से में। आप उठिए उठिए, उठिए ना उठिए ना। इसका टेलीफोन था, कोई बात ही नहीं करता है। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या हो रहा है? जा रहे थे। अरे कैसे जा रहे थे? इनका तो हमें आज गाना सुनना है, सुना बहुत अच्छा गाना गाते हैं। नहीं जी मैं क्या गाता हूँ, गाना तो आशा गाती है, बहुत अच्छा गाती है। आशा? अरे ये भी पहली दफा सुना है। अरे उस चाय का क्या हुआ? चाय लाके मुझे दे दी। दोनों पढ़ लिए? जी हाँ। हैं? नहीं जी। अब क्या होगा, सब भांडा फूट जाएगा। दोनों में से एक को तो भगाना ही होगा। लेकिन कैसे? एक तरकीब सोची है क्या? तू बेहोश हो जा। क्यों क्यों? हो जा बेहोश, कहती है बेहोश हो जा। अरे इनको क्या हो गया? माधव आशा बेहोश हो गई है, चाचा जी को खबर कर देना। सरकार आशा बेटी की तबीयत खराब है, जल्दी चलिए। क्या हुआ? अचानक बेहोश हो गई सरकार, जल्दी चलिए। बेहोश हो गई? तुम बैठो मैं आता हूँ। चाचा जी आ रहे हैं, देखो तू ऐसा कर। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ चाचा जी, अचानक बेहोश हो गई है। तो उस पर ठंडा पानी डालो। अब ऊपर से स्मेलिंग सॉल्ट ले आई है। अब ले। तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाके दूध ले आओ, गर्म करके लाना। क्या हुआ आशा जी को? क्या मालूम क्या हुआ, बैठे बैठे बेहोश हो गई। तो तुम जाके देखो ना। जा, देखो। अरे बाप रे, उठो उठो उठो। क्या हुआ इन्हें? अचानक चले जाओ,
सब चले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। देखिए अकेले रहना चाहती है, आप मेहरबानी करके जाइए। ठीक है ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अब भी जाओ, अभी अभी अब भी जाओ, सब चले जाओ। कैसी है आशा राजकुमार जी? तबीयत बहुत खराब है। तुम जरा यहाँ ठहरो, मैं भी आता हूँ। चाची जी, तू लेट जा, लेट जा। इसका सर इधर से इधर कैसे चले गए? सर वो चाची जी, वो बेहोशी की हालत में वो यहाँ से वहां उछल गई। तब तो इसकी हालत बहुत खराब है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। अभी बुला। अरे राजकुमार, राजकुमार, उसकी हालत बहुत खराब है, साथ रहता। अब मुझे भी बेहोश होना पड़ेगा। अरे ये तो दोनों बेहोश हो गए। राजकुमार मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, तुम लेके किसी भी डॉक्टर को ले आओ, मैं डॉक्टर शर्मा को टेलीफोन कर। जी जी जी। आशा, आशा बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पाता था, आज हिम्मत दिलाओ तो कह दो। आशा तुम्हारे बिना हर पल दिन की तरह मालूम होता है और दिन बरस। आशा, आशा मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुनते ही बोलेगी अन्नाड़ी। अच्छा अगर ऐसे कहूं तो देर लगा दी, मैं तो डर ही गया था। डर गए थे? हाँ, कल तुम बेहोश हो गई थी ना, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर मैं मर जाती तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, भगवान इतने कठोर नहीं है, वो तुम्हें मुझसे कभी नहीं छीनेंगे। बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ पर कह नहीं पाती। कहो। तुम्हारे बिना मेरा हर पल दिन मालूम होता है, हर दिन बरस। मैं तुमसे क्या हुआ? लड़की ऐसी बातें नहीं किया करती, लड़के किया करते, मुझे करनी चाहिए। हाँ, दो घंटे से मैं रिहर्सल कर रहा हूँ, सारा मूड खराब कर दिया तुमने। अच्छा तुम ही कहो। आशा आशा दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से
हो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मत भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से तुम्हारे घर जल्दी ही आ जाऊंगा आशा। कल? नहीं नहीं, कल मत आना। क्यों? कल मेरी मालकिन का जन्मदिन है। तो बहुत अच्छा है, उन्हें बधाई दे दूंगा और तुमसे मिल लूंगा। तुम क्यों आओगे, तुम्हें बुलाया थोड़ी है। तुम तो मालकिन को जानते हो, जाने कह बैठे, आप यहाँ से चले जाइए। वो अमीर है तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत नहीं। अच्छा बाबा नाराज क्यों, तो नहीं आऊंगा, तुम्हारे जन्मदिन पर जरूर आऊंगा। मेरे जन्मदिन पर तुम कभी नहीं आओगे। क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा, खूब नाचूंगा, खूब गाऊंगा, तुम्हें खुश करूंगा। अच्छा अच्छा देखा जाए, अब चलो चले, देर हो रही है। यस, दूध के दवा के 25 लाख पेटियां जा चुकी, 3 दिन में हम सिर्फ 5 लाख पेटियां और बना सकेंगे, तो पूरी नहीं पड़ेगी। फिर क्या किया जाए? अगर एक नई मशीन और लगा दी जाए। नई मशीन कैसे लग सकती है, जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं होगी कैसे हो सकता है? अरे मीटिंग आप भी बुलवा लीजिए, मैं हवाई जहाज से मशीन आने में कितनी देर लगती है? आज मेरी आरती की सालगिरह है। रामनाथ जी, भगवान ने चाहा तो आरती की सालगिरह हर साल होगी, मगर ये बीमारी रोज रोज नहीं आएगी, पूरे 40 साल के बाद आई है, और ये बेचारे गरीब लोग हमारी दवाई के बगैर बिना मौत मारे जाएंगे। ये क्या करते हैं आप, जल्दी टेलीफोन कीजिए प्लीज। राजकुमार मेरा काम कर लो, आज आरती का जन्मदिन है, उसके लिए मैं जो केक लाया हूँ वो घर पहुंचा दो, मुझे जरा देर होगी। हैप्पी बर्थडे आरती जी। आप यहाँ कैसे? रामनाथ जी ने ये केक भिजवा दिया, उन्हें आने में 2 घंटे देर होगी। इधर आइए। देखिए आपकी भलाई के लिए एक बात कहती हूँ, आप बुरा मत मानिए, आप यहाँ से चले जाइए। जी जी बुरा मत मानिए। नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, सिर्फ 1 मिनट के लिए आशा से मिल सकते हैं? जी नहीं, आज नहीं मिल सकते, आप मेहरबानी करके चले जाइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। अरे राजकुमार मैंने तुम्हें खामखा तकलीफ दी। नहीं जी तकलीफ कैसी, वो केक मैंने पहुंचा दिया, अब मैं जाता हूँ। कहाँ जाते हो, आज कैसे जा सकते हो, आज तो यहाँ खाना है, पीना है, नाच है, गाना है, आओ बैठो। तुम बैठो। आरती कहाँ गई? अभी अभी तो यहीं थी।
खैर मैं देख लेता। नमस्ते रामनाथ जी। ओहो नमस्ते शर्मा जी, मिजाज अच्छे हैं आपके? देखते देखते आरती बेटी 20 वर्ष की हो गई। जी हाँ ऐसा ही होता है। रामनाथ जी भी कितने मजा के आदमी हैं। केक भी लाए हैं तो दिल की शक्ल का। जी हाँ, और देखिए ना, कोई दिल पे छुरी चला रहा है। आखिर आ ही गया ना आपकी सालगिरह। आरती बेटी, तुम इसे नहीं पहचानती? ये अपने राजकुमार। जी हाँ पहचानती है मुझे। कितना अच्छा हुआ मैंने तुम्हें यहाँ भेज दिया। तुम ही तो कह रही थी उसे कितना अच्छा गाना गाते हैं। सलोन से कहो के गाना गाए, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। कहो आप। जी हाँ जरूर गाऊंगा आपकी खुशी के लिए। बहुत अच्छे साहिबान, ये है मिस्टर राजकुमार, अभी आपको एक गाना सुनाएंगे। ये सिर्फ गाना ही नहीं जानते हैं, ये तो बड़े भारी चित्रकार भी हैं और उन्होंने बहुत सी बातें सीखी हैं। अब इस वक्त बाहर आइए, आपको गाना ही सुनाएंगे। चाची जी, चाची जी। हाँ। इनके गाने के साथ मेरी सहेली भी नाचेगी। हाँ? जरूर नाचेगी, क्यों नहीं नाचेगी। बहुत अच्छे। क्यों राज, क्यों नहीं, आज का दिन तो नाचने गाने का ही। तो फिर शुरू हो जाओ, क्या दे रहे। हाँ भाई सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। ने कितना समझाया कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। अस
असली नकली चेहरे देखे, दिल पे सौ सौ पहरे देखे, मेरे दुख पे दिल से पूछो क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। बेटी बात क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिस जी सर। तुम घर को जा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं आएगा, आप भी इधर में बैठेगा, आप भी घर में नहीं जाएगा। चलो मिसेस डीसा, चलो चलो चलो। तब तक हम खाना गरम करते हैं। नहीं मिसेस डीसा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं मिसेस डीसा। कुछ नहीं तो चलो खाना खाओ। मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा? अब हर क्यों का कोई क्या जवाब दे? जवाब देना पड़ेगा। प्लीज मिसेस डीसा, प्लीज मुझे अकेला रहने दो। नहीं नहीं, तुमको अकेला नहीं रहने देगा। तुम क्या समझता है? जब तुम्हारा मर्जी आता है तुम घर में आ जाता है, जब तुम्हारा मर्जी आता है चला जाता है। तुम्हारा मर्जी हमारे घर में नहीं चलेगा। अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो मैं कल यहां से चला जाऊंगा मिसेस डीसा। मिसेस डीसा, तुम्हारे मुझ पर इतने एहसान हैं,
जिंदगी भर ना तो भूल सकता हूँ ना उतार सकता हूँ। इतनी बड़ी दुनिया से तुम अकेली लड़ रही हो। ये चंद रुपए हैं मेरे पास, रख लो, शायद कभी काम आएंगे। जितने दिन तुम्हारे पास रहा तुम्हें तकलीफ ही देता रहा, कोई सुख नहीं दे पाया। मैं शायद ही ऐसा बदनसीब सिवा दुख के और कुछ दे ही नहीं सकता, मुझे माफ करना। तुम्हें तो बहुत जोर का बुखार है मिसेस डिसा। आपको बुखार है तो तुमको क्या, आप मरेगा नहीं तो जिएगा तुमको क्या फिक्र है, तुम्हारा हमारे रिश्ते क्या है, हाथ मत लगाओ हमको। तुम मेरे को गलत समझते हो मिसेस डिसा। हम गलत नहीं समझा, आजकल का बेटा बनाने से नहीं बनता, बन भी जाएगा तो माँ के मुंह पे रुपया फेंक के बोलेगा ये लो माँ तुम्हारे दूध का दाम, तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया, हमारा तुम्हारा हिसाब से बराबर हो गया, जान चले जाओ, जाओ और ये भी लेकर जाओ, हम तुम्हारा कोई चीज रखना नहीं मांगते, लेकर जाओ, लौटने के दिन भी लेकर जाओ। दुख मालूम हो तो दुनिया का कोई माँ बेटा मांगे नहीं, किसी को बेटा बनाए नहीं, राजकुमार घर में बीमार है, ठीक है तुम दो घंटे बाद आना। हाँ डॉक्टर साहब गर्म हो गया, गर्म हो गया डॉक्टर साहब। क्या हुआ? जहर को वो बक्सा मुंह के दवा के साथ चला गया। जी हाँ, हिसाब करके देखा मुंह की दवा का एक बक्सा मर गया है और जहर का घट गया है। सत्यनाश अभी पता लगाइए वो बक्सा कहाँ गया, कैसे गया, किधर गया। वो भी कोशिश किया मगर कुछ पता नहीं चला। अब क्या होगा सर? होगा क्या, फ्लू के जो मरीज इस दवा को खाएंगे दम घुट के मर जाएंगे। फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए, क्या किया जाए? देखो ये बात किसी को मालूम ना होने पाए मैं बड़े साहब के पास जा रहा हूँ, फ्लू की तमाम दवा किसी न किसी तरह वापस लेनी ही पड़ेगी। अब तक हजारों बेटे और लाखों पोते मुझे कौन घर में पहुंच चुके होंगे, आप चाहते क्या है? आप ये चाहते हैं कि अखबारों में इश्तहार दे दूं, मेरी बोतल वापस कर देना, आगे सारे लोग आके मेरा गला दबा दे, और फिर इसके बाद इस कंपनी की दवाएं खरीदे कौन? आप मुझे बर्बाद कर देना चाहते हैं? फिर क्या किया जाए बड़े साहब? सर किया जाए मेरा, भूल जाइए कि ऐसी पेटी थी कोई। लेकिन अगर उस दवाई से कोई मर गया तो? मुझे बहुत अफसोस होगा, मुझे तो इस बात का फिक्र है कि आपका क्या होगा। अगर इस मामले में जरा भी गड़बड़ हुई तो उसके जिम्मेदार आप हैं। बड़े साहब जा सकते हैं आप। फूल्स। डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब मिसेज डिसा को फ्लू हो गया, मैंने दवा लिख दी है, मंगवा लीजिए और अगर जरूरत पड़ी तो मुझे बुलवा लीजिएगा। जी नमस्ते सर। आंखें फाड़ फाड़ कर तुम क्या देखते हो? छोकरी को तुम कभी देखा नहीं? तुम्हारा बुखार कैसे मिसेस डिसा? अब ये अच्छा है, जाकर ये दवाई लेके आओ। अरे तुम खाना नहीं खाएगा? हम क्या करेगा, ये छोकरा को छोड़कर हम मरने को भी नहीं सकता है।
हम एक बात पूछेगा। कहिए मिसेस डीसा, जब हम चला जाएगा तुम इसको देखेगा? ऐसा क्यों सोच रही हैं? हम सुनने मांगते हैं, बोलो। अभी हमको कुछ फिक्र नहीं, दुनिया जितना चालाक है उतना चीज छुप रहा अन्नाड़ी। किसी अच्छी कंपनी की दवाई दीजिए, मॉडर्न मेडिसिन की दवा आजकल बहुत चलती है, इसी को ले लेंगे। ठीक है, यही दे दीजिए। नींद आता है, जाओ लेकर जाओ इसको। मैं जा रही हूँ, कल सुबह फिर आऊंगी। एक बात पूछूं आपसे, मैं बड़ा गरीब आदमी, मैंने कभी किसी को दुख देने की कोशिश नहीं की, फिर आपने ये खेल मुझसे क्यों खेला? ये खेल नहीं है, अगर ये खेल होता तो मैं यहाँ आती? फिर अब तक तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम? डर से, मैंने कई बार कोशिश की पर कह ना पाई, मुझे डर था कहीं तुम्हें खो ना बैठूं। चाचा जी को हमारे बारे में मालूम हो गया है, वो इस जानता, उन्होंने मुझे भी तुमसे मिलने को मना किया है। मैंने सब सोच लिया है, चाचा जी नहीं मानेंगे तो ना सही, मिसेस डीसा हमें आशीर्वाद दे देंगी। मेरे लिए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती, सब कुछ छोड़ सकती हूँ। तुम जाओ, मिसेस डीसा के पास बैठो। चलो तुम्हें टैक्सी स्टैंड पे छोड़ा था। आ गई बेटे तुम? चाचा जी आप अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आ रही, एक अजीब भयानक कहानी पढ़ रहा था। एक बहुत अमीर लड़की थी, वो एक बहुत ही गरीब लड़के से प्यार करने लगी। लड़की खूबसूरत थी, लड़का जवान था, बात बात में बात बढ़ गई और दोनों की शादी हो गई। लेकिन आदमी सिर्फ प्यार पर कब तक जी सकता है? आहिस्ता आहिस्ता प्यार पिघलने लगा और नफरत जागने लगी, वही नफरत जो एक अमीर को गरीब से होती है और एक गरीब को अमीर से। जो एक दूसरे पर जान देने के लिए तैयार थे, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार थे। नतीजा यह हुआ कि लड़के ने जहर खा लिया और लड़की फिर अपनी पुरानी दुनिया में वापस चली गई। जरूरी तो नहीं चाचा जी कि हर कहानी का यही अंत हो। तुम अपने और राजकुमार के बारे में सोच रही हो? यही मान लीजिए। क्या मान लो? मान लो कि तुम भी उसी तरह राजकुमार को जहर खाने पर मजबूर करना चाहती हो। जहर नहीं चाचा जी, प्यार। प्यार? किसी गरीब के दिल से खेलना, उसमें झूठी उम्मीदों के चिराग जलाने, उसको तुम प्यार कहती हो? मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं गरीबी में भी खुशी ढूंढ लूंगी। बको मत, मैं गरीबी में खुशी ढूंढ लूंगी। मैंने तुम दोनों को पहले से आगाह कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम मेरी मर्जी के खिलाफ एक दूसरे से मिलते रहे। आरती, मैंने तुम्हें बचपने से अपनी जान से ज्यादा प्यार करके इतना बड़ा किया है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। मगर कान खोल कर सुन लो, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी तो राजकुमार को बर्बाद कर दूंगा। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ, मैंने आज तक हार किसी से नहीं मानी। अगर आप सोच सकते सिर्फ इस बात का है
तो तुम्हारे किए की सजा उस गरीब को मिले। लेकिन चाचा जी, कभी आप भी तो गरीब थे। हाँ, इसीलिए चाहता हूं कि तुम दोनों को वो जहर ना पीना पड़े जो मैं पी चुका हूं। अगर तुम उससे प्यार है तो अपने कलेजे पे पत्थर रख लो, उसके पांव की बेड़ी ना बनो। जाओ। नहीं मिसेस डिसा, आज हम ऑफिस को नहीं जाएगा। ऑफिस को नहीं जाएगा? नहीं मिसेस डिसा, अभी आप मरा नहीं है, तुम छुट्टी मंगाना मांगता है। नहीं मिसेस डिसा, तुम्हारा देखभाल कौन करेगा, तुमको तो बिछौने से उठने को नहीं मांगता। आम किधर जाता है बाबा, अभी आरती आएगा, वो आम को देखेगा। मिसेस डिसा तुम जाओ, आम बोलता है तुम जाओ। ये लीजिए मिसेस डिसा, यहां साइन कर दीजिए। वसीयत करने के लिए आपकी इस बीमार हालत में आने की क्या जरूरत थी, मैं सब इंतजाम घर ही में कर देता। मिस्टर पाटिल, यस सर, आप विटनेस के लिए यहां साइन कर दीजिए। रजनी, अभी ये हमारा सब कुछ राजकुमार का बन जाएगा ना? यस मिसेस डिसा। एक बात पूछूं मिसेस डिसा, आप ये सब जायदाद राजकुमार को दे रही हैं। आप ठहरी क्रिश्चियन और वो हिंदू, आपका और उसका क्या रिश्ता है? बहुत पुराना रिश्ता है। जब हिंदू क्रिश्चियन पैदा भी नहीं हुआ था तब का रिश्ता है। वो हमारा बेटा है, हम उसका माँ है। अच्छा, अभी हम जाएंगे। चलिए मैं नीचे तक पहुंचा दूं। नहीं बेटा, तुम काम करो, हम जाएंगे। कमजोर हालत में मिसेस डिसा बाहर क्यों गई, अब मैं क्या करूं? वही दवा जारी रखिए, खुराक दूनी कर दीजिए। बहुत अच्छा। अच्छा ऐसी हालत में मिसेस डिसा वकील के पास जाने का क्या जरूरत है? नोटिस कर लिए। नोटिस नोटिस नोटिस, धमकी देने का जरूरत नहीं मिसेस डिसा, तुम अच्छा हो जाओ, हम खुद घर छोड़ के चला जाएगा। तेरा नोटिस नहीं है, मेरा नोटिस आया है ना ऊपर से। रहने दो मिसेस डिसा, हमको तुम्हारे ज्ञान का बात नहीं सुनने का। अब दवाई खा ली। दवाई? हम वो दवाई नहीं खाएगा। दवाई नहीं खाओगी तो अच्छी कैसे होगी मिसेस डिसा, तुम्हें मेरी कसम है। मिसेस डिसा, मिसेस डिसा, क्या हुआ मिसेस डिसा? मिसेस डिसा क्या हुआ तुम्हें? मिसेस डिसा कुछ क्या हुआ मिसेस डिसा? दवाई खा के तुम्हें क्या हो जाता है मिसेस डिसा? आरती को बुला कर लाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा मिसेस डिसा। तुमको हमारा कसम? नहीं मिसेस डिसा, तुम्हारा क्या भरोसा, मैं इधर कहीं गया नहीं कि तुम भी चल दोगी। हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा।
इधर अच रहे जा, जल्दी जा, बहुत जरूरी काम है, आरती को बुला कर लो। अंधेरे में क्यों बैठे हो? ऐसे ही राजकुमार मिलने आए हैं। ऊपर भेज दो। नहीं, उनसे कहना मैं नहीं मिल सकती। आरती? हाँ, कहना कि मुझे भूल जाए। आरती जी ने कहा वो आपसे नहीं मिल सकती, आप उन्हें भूल जाइए। ये बिल्कुल झूठ है। कोई कुछ भी कहे, आरती ऐसा नहीं कह सकती। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। उन्होंने कहा वो आपसे नहीं मिल सकती, आप उन्हें भूल जाइए। ऐसे नहीं हो सकता। आरती, क्या ये सच है? तुम उसे मिलना नहीं चाहती? तुमने कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? हाँ, चाचा जी ठीक ही कहते हैं। तुम्हारी दुनिया और है, मेरी दुनिया और। समझ लो, तुम्हारा मेरा प्यार भी एक खेल था जो मैंने तुमसे खेला। यही समझ लो और मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाऊं आरती? मेरा प्यार कोई खेल नहीं, मेरी जिंदगी है, मेरी दुनिया है। लेकिन मेरी दुनिया और है, ये सोने और चांदी की दुनिया, ये मुस्कुराहट और गीतों की दुनिया, जहां जिंदगी खुशी का एक कभी ना खत्म होने वाला गीत है। ये हीरे, ये मोती, ये ऐशो आराम की चीजें, यही मेरी जिंदगी है। क्या कह रही हो आरती? ठीक कह रही। ये जिंदगी तुम मुझे दे सकते हो? नहीं दे सकते। अगर नहीं दे सकते तो मुझसे ये जिंदगी छीनने का तुम्हें क्या अधिकार है? कोई अधिकार? मिसेस डिसा तुमसे मिलना चाहती थी। नहीं, उनसे मेरा प्रणाम कह देना। मिसेस डिसा, उनसे कहना आरती मर गई। और अच्छा होगा कि तुम भी यही सोच लो और मुझसे नफरत करने लगो। चले जाओ, चले जाओ यहां से। जाता हूं, तुम्हारी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं। और एक बात याद रखना आरती, गरीबी और अमीरी की हदों से परे भी एक दुनिया, चाहे इंसान सोने चांदी के तराजू में नहीं तोला जाता, वो दुनिया थी, है और रहेगी। तेरा
मिसेस डी से तुमने पूछा नहीं आरती क्यों नहीं आई? आरती नहीं आएगी मिसेस डी से, कभी नहीं आएगी। कहती थी ये सब खेल था। मिसेस टीसा, ये दुनिया मुझसे खेलती क्यों? ये लोग ये सब क्यों? मिसेस टीसा, मिसेस टीसा, तुमने वादा किया था तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओ। तुम मुझसे नहीं खेल सकती मिसेस टीसा, मुझे ये खेल नहीं पसंद। प्लीज मिसेस टीसा, दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। राजकुमार, मौत के सामने किसका बस चला? उठो, यही तो कल तक मिसेस डीसा यहां थी, आज यहां कुछ भी नहीं। जाना ही था तो बेचारी को दवाइयां दे दे के मैंने क्यों उतर पाया? क्या हुआ था उन्हें? फ्लू हो गया। फ्लू? कौन सी दवा दे रहे थे? ये अपनी ही कंपनी की बनी हुई है, जब जब दवाई देता था बेचारी दर्द से कर्रा उठती थी। बार बार यही कहती थी कि ये दवा है या जहर। ऐसा लगता था उनके सीने में कि जैसे क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जरूर कुछ हुआ, कहिए ना। सिर्फ यही नहीं, लू का ये दौर खत्म होते ही एक नई लहर आने वाली है, इससे भी ज्यादा जोरदार। भगवान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है रामनाथ जी। ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कंपनी के हर आदमी को दो दो महीने का बोनस देना चाहिए। जरूर देना चाहिए, लेकिन जरा ठहर जाइए, आने वाले दौर का इंतजार कर लिया जाए। जहाँ और लोग मरेंगे वहाँ हमारे कंपनी के कुछ लोग तो कम हो जाएंगे। मिसेस डीसा के बारे में सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। मिसेस डीसा मरी नहीं रामनाथ जी। मरी नहीं? जी नहीं, उनका खून किया गया है। खून किया गया? किसने किया? आपने। आपकी कंपनी की बनी हुई इस दवा ने मिसेस डीसा की जान ली है। अब चाहता हूं कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे वो जिंदा हो सके। क्या बकते हो तुम? क्यों, ऐसे ही जादूगर हैं आप? जान लेना जानते, देना नहीं जानते। तुम होश में नहीं हो राजकुमार, जाओ यहां से। ठीक है, मैं सचमुच होश में नहीं, पर मैं यहां क्यों आता? पुलिस स्टेशन क्यों ना जाता? राजकुमार, बेवकूफी की बातें ना करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो सकता, लेकिन जिंदा आदमी का मुंह बंद हो सकता है, यही ना? राजकुमार, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम्हें किसी किस्म का नुकसान हो, लेकिन लड़ाई से पहले दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। दुश्मन की ताकत का अंदाजा है मुझे, और ये भी जानता हूं दो जाने लेने की सजा वही होती है जो एक जान की, और एक जान तो आप पहले ले चुके हैं। कमाल है रामनाथ जी, एक मामूली सा नौकर। आप मेहरबानी करके आदमी दौड़ाइए अपने, और राजकुमार के घर के आसपास जितनी दुकानें हैं वहां से सारा अपना माल खरीद दीजिए। हम तो सब खरीद ही लेंगे, लेकिन उसके पहले वो राजकुमार कुछ कर बैठा तो? आप फिक्र न कीजिए, उसकी जिम्मेदारी भी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जी हाँ,
मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजकुमार पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं करना चाहिए। बंबई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा शहर है, हर रोज कुछ न कुछ होता ही रहता है। हो सकता है परसों आप अखबार खोले तो पढ़े कि पुलिस ने राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया या वो लारी के नीचे आ गया। तुमसे मिलने आई हूं। अब मुझसे क्या काम? तुमने चाचा जी से क्यों झगड़ा मोल लिया? जानते नहीं, वो चाहे तो तुम्हें धमकी देने आई हो। तुम नहीं समझोगे, मैं मिसेस डिसा से बात करूं। मिसेस डिसा से बात करना है। हाँ, आओ मेरे साथ। ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मिसेस डिसा के पास। लेकिन मिसेस डिसा यहाँ क्यों आई? ये सवाल उन्हीं से करना। ये तो कब्रिस्तान है। हाँ, और वो रही मिसेस डिसा। अब जो कुछ भी कहना उन्हीं से कह दीजिए, कह दीजिए उन्हीं से। नहीं, नहीं, ये कब हुआ? जब मैं आपको लेने आया था। कैसे? अपने चाचा जी से पूछे, पूछिए उनसे कि मिसेस डिसा क्यों मरी, पूछिए उनसे कि मिसेस डिसा की जान की कीमत सिर्फ 2 रुपए 8 नहीं थी। क्या मतलब? मतलब भी उन्हीं से पूछिए जिन्होंने दवा के शीशे में जहर बेचा पैसे की लालच में। ये पैसा आपके बहुत काम आएगा। थोड़े ही दिनों में आपकी शादी होगी, आपके हाथों मेहंदी रचेगी। उस दिन ये मत भूलिएगा कि उस लाली में मिसेस डिसा का खून शामिल है। देखा मिसेस डिसा, आरती आई थी, तुमसे बात भी करना चाहती थी। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश थी ना कि तुम आरती से मिलो, पर तुम आरती का नाम राजकुमार है। आपके नाम का वारंट है हमारे पास। वारंट? कौन सा जुर्म? खून, मिसेस डिसा के कत्ल के जुर्म में। खून? मिसेस डिसा? चलिए। चाचा जी जरा पानी दीजिए।
मुझे दवा लेनी है। दवा? दवा कैसी? फ्लू की। आप ही के कंपनी की बनी हुई है। मिसेस डीसा की खबर सुनके मैं कल राजकुमार से मिलने गई थी। मुझे जरा सर्दी हो रही थी, उन्होंने मुझे ये दवा दिया। राजकुमार बेकसूर है। ये दवा आप ही की कंपनी की बनी हुई है, जिससे मिसेस डीसा की हर बीमारी का इलाज हो गया। ये किसने कहा तुमसे? सब झूठ है। अब कहिए चाचा जी, कहिए कि राजकुमार कसूरवार है, कहिए कि मिसेस डीसा का खून उसी ने किया। नहीं कह सकते ना? मैं मजबूर था थी। मजबूर? अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेने पर मजबूर? नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता था, वरना जो कुछ मैंने जिंदगी में बनाया था सब कुछ बर्बाद कर देना पड़ता। आन की आन में कारखाना बंद हो जाता, ये छान ये मकान सब कुछ हवा में उड़ जाते। ये तुम्हें अच्छा लगता? नहीं चाचा जी, लेकिन ये तो न होता जो अब हुआ है। एक मिनट पहले आप मेरी नजर में क्या थे, और अब आज मुझे हर चीज से नफरत हो रही है, अपने आप से नफरत हो रही है। मुझे नहीं मालूम था दौलत आदमी को ऐसा बुजदिल बना देती है। जरा समझने की कोशिश करो, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? एक बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाने से पहले मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती। अच्छी बात। पुलिस ये लो, बता दो सब कुछ पुलिस को। ये तो कह दो कि राजकुमार बेकसूर है और मिसेस डीसा का खून मैंने किया। आरती, दौलत आदमी को बुजदिल नहीं बनाती, मोहब्बत बना देती। मैं भी हमेशा ऐसा बुजदिल नहीं था। इसे पहचानिए, ये एक भयानक खूनी का चेहरा है। इसकी भोली सूरत पर न जाइए। इस खूबसूरत पर्दे के पीछे जो एक संगदिल कातिल छिपा है उसे देखिए। एक इंसानी दरिंदा जिसके हाथ एक बेगुनाह के खून में रंगे हुए हैं। जनाबे अली, मैंने जब भी कभी अदालत से सजाए मौत के लिए दरखास्त की है तो मेरे दिल में बहुत बेचैनी रही है, लेकिन आज मेरे दिल में कोई भी कशमकश नहीं। समाज का ये काला धब्बा अगर फौरन ही मिटा दिया गया, ये और बढ़ेगा और फैलेगा। मिसेस डीसा ने मुलजिम को अपनी जायदाद का अकेला वारिस करार दिया था। कहीं बाद में मिसेस डीसा का मन न बदल जाए और वो अपना वसीयतनामा न बदल दे, इस डर से मुलजिम ने उसी रात मिसेस डीसा को खत्म कर दिया। बेचारी मिसेस डीसा। मुलजिम के दिलो दिमाग पर एक लड़की सवार थी, रामनाथी की भतीजी आरती देवी। मिसेस डीसा को मारने के बाद मुलजिम जहर की शीशी लेके रामनाथ जी के पास गया और कहने लगा, आप अपनी आरती देवी की शादी मुझसे कर दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। मिसेस डीसा आपकी दवाई खा के मरी है। अगर ये जहर रामनाथ जी की फैक्ट्री से बाहर गया था तो हिंदुस्तान के 20 शहरों से जो हजारों ऐसी और शीशियां इकट्ठी की गई हैं, उनमें दूसरी कोई जहर की शीशी क्यों नहीं मिली? मुलजिम का ख्याल था कि रामनाथ जी धमकियों से डर जाए। मैं अदालत से एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरों को सबक हासिल हो कि इंसान की जान लेने का हक किसी इंसान को नहीं। अब मैं एक के बाद एक गवाह पेश करूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ आरती देवी कि आप अपने चाचा मिस्टर रामनाथ की मर्जी के खिलाफ मुलजिम राजकुमार से मिलती जुलती रही? जी हाँ। मिसेस डीसा की मौत के बाद मुलजिम आपको उनकी कब्र पर ले गया था और उसने आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मिसेस डीसा की मौत के जिम्मेदार आपके चाचा है? जी हाँ। और उसने आपको ये धमकी भी दी थी कि वो आपके चाचा को बर्बाद करके रहेगा? जी हाँ। सिर्फ एक सवाल और, क्या ये सच है कि आप मुलजिम राजकुमार से प्यार करती थी? नहीं, ये झूठ है। मैं राजकुमार से प्यार करती थी नहीं, करती हूं, अब भी करती हूं, और इसीलिए मिसेस डीसा को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो जहर मिसेस डीसा को खुद मैंने दिया था। योर ऑनर, चाचा जी से बढ़कर मिसेस डीसा हमारी शादी के खिलाफ थी। वो मुझे नहीं चाहती थी और मुझे उनसे नफरत थी, इसीलिए मैंने उन्हें मार डाला। झूठ, ये सब झूठ है जनाब वाला। ये झूठ नहीं योर ऑनर,
मैं जानती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। मुझे बचाने के लिए ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेना चाहते हैं, मगर मैं कबूल करती हूँ, मिसेस डिसा का खून मैंने किया, मैंने ही किया है। जनाबे वाला, ये नुक्ता दर्ज किया जाए कि मिसेस डिसा को राजकुमार ने नहीं, वो दाती देवी ने जहर दिया है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इनके इस बयान को इकबाल जुर्म माना जाए। और मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि आरती देवी के बयान पर बिल्कुल तवज्जो ना की जाए। मुल्जिम राजकुमार के गिरफ्तार होने से उन्हें सख्त सदमा पहुंचा है और मालूम होता है जैसे उनकी सोचने समझने की ताकत जाती रही। मेरी दरखास्त है पहले उनके दिमाग का मुआयना करा लिया जाए। जनाब वाला, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पागल मत बनो राजकुमार, सरकारी वकील यही चाहता है कि तुम कुछ बयान दो ताकि वो तुम्हारे पुर्जे उड़ा दे। जो कुछ भी हो वकील साहब, मैं ये नहीं चाहता कि किसी के किए की सजा कोई दूसरा बेकसूर भुगते। जनाब वाला, मैं बयान देना चाहता हूँ। इजाजत है, बयान दे सकते हो। कसम हो गया, आरती ने जुर्म कबूल कर लिया, ये चनी हुआ रामला जी। जनाब वाला, सरकारी वकील ने कहा कि मुझे मौत की सजा मिलनी चाहिए। जी मुझे वही सजा दीजिए, मैं अनाड़ी हूं। हम जैसों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस दुनिया में जीने का अधिकार तो उनको है जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने वापस नहीं किए। ये दुनिया दिल वालों की नहीं, दिमाग वालों की। ये भूख और जंग की दुनिया, जहां आदमी जितना ही नीचे गिरता है समाज उसे उतना ही ऊंचा स्थान देती है। ये गिद्धों और भेड़ियों की दुनिया, जहां जिंदगी भीख मांगती है और मौत के सौदागर राज करते हैं। मिसेस डिसा मेरी क्या लगती थी? मां? एक हिंदू लड़के की क्रिश्चियन मां हो ही कैसे सकता? जनाब वाला, सरकारी वकील के साथ मैं भी दरखास्त करता हूं, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए ताकि दूसरों के लिए एक सबक हो। चंद कातल ऐसे भी मौजूद हैं इस दुनिया में, इस अदालत में भी मौजूद है, जिनके हाथ खून में रंगे हुए हैं लेकिन कानून उन पर हाथ नहीं डाल सकता। मैं उनसे कहना चाहता हूं, यह अदालत आखिरी अदालत नहीं, ये फैसला भी आखिरी फैसला नहीं है। वो किस किस अदालत से बचेगी, कौन कौन से फैसले से भागेगी? जनाब वाला, बस मुझे और कुछ नहीं कहना। मुल्ज़िम अगर कातिल ना होता तो एक बहुत कामयाब वकील बन सकता था। इस खूबसूरती के साथ उसने अपने जुर्म का इकबाल किया है और जुर्म से इनकार भी, लेकिन उसका मुकदमा कितना कमजोर है, उसके बयान कितने बेमानी, ये कल उसे खुद बखुद पता चल जाएगा जब मिस्टर रामनाथ अदालत के सामने पेश होंगे। आरती, आरती कहाँ है? आरती चली गई? कहाँ चली गई? ये मुझे नहीं मालूम, मैं इतना जानती हूँ अब वो वापस नहीं आएगी। आपके लिए खत छोड़ के गई। आरती रो रही थी, कह रही थी चाचा जी मुझे नहीं समझते, मैं चाचा जी को नहीं समझती, फिर भी हम दो कैदियों की तरह एक ही चार दीवारी में रहने पर मजबूर हैं। तुम भी उसके साथ क्यों नहीं चली गई? मैं भी जा रही थी लेकिन आरती ने मुझे रोक दिया, कहने लगी तुम भी चले जाओगे तो चाचा जी बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। नहीं, तुम लोग सब चले जाओ यहां से, मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर आरती मेरे बगैर जिंदा रह सकती है तो मैं भी उसके बगैर जिंदा रह सकता हूँ। जाओ चले जाओ। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों? अब तुम मेरी कौन होती? आपने एक बार कहा था चाचा जी, मैंने कभी किसी से हार नहीं मानी। आज जब एक बेगुनाह को फांसी का हुक्म सुनाया जाएगा उस वक्त मैं आपकी आंखों में जीत की चमक देखना चाहती हूँ। तुम मेरी आंखों में जीत की चमक देखना चाहती हो? अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। मिस्टर रामलाल, क्या यह सच है कि मुल्ज़िम राजकुमार जब भूखा और बेकार था तब आपने उसे 200 रुपए की नौकरी दी? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। आपकी मिसेस डिसा से कोई अदावत या दुश्मनी थी? जी नहीं।
मिसेस दीशा का नाम तो मैंने पहली दफा सुना था जिस वक्त राजकुमार जहर की बोतल लेकर मेरे दफ्तर में आया था। दवा की या जहर की? जहर। ओ, आपका मतलब यह है कि दवा की शीशी में जहर डाल दिया गया था? जी हाँ। और उसी जहर ने मिसेस दीशा की जान ली? जी हाँ, उसी जहर ने मिसेस दीशा की जान ली, उसी जहर ने मिसेस दीशा की जान ली और उसी जहर ने मुझे बुजदिल बना दिया। मतलब? मतलब ये कि वो जहर मेरे ही कारखाने में बनाया गया था। मुझे ये बात मालूम थी लेकिन मैं खामोश रहा। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, इसका नतीजा भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उस वक्त भी जानता था लेकिन मेरी बुजदिली की वजह से उस वक्त मुझे खामोश रहना पड़ा। इन सब बातों के होते हुए भी जिंदगी में आज तक मैंने किसी से हार नहीं मानी। इस वक्त भी मैं हार मानने के लिए तैयार नहीं, खासकर इस अनाड़ी से। मैं कबूल करना चाहता हूं कि मिसेस दीशा की मौत का जिम्मेदार मैं हूं, सिर्फ मैं। जा रहे हो? हाँ। लेकिन मैं तो यहां रहने के लिए आई थी। यहां रहने के लिए? हाँ, मिसेस डीसा को मैंने वचन दिया था तुम्हारी देखभाल करूंगी। कहती थी दुनिया जितनी चालाक है तुम उतने ही अनाड़ी हो। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों पे हम हैं अनाड़ी।